हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेमेंट रिलीज करो, इलेक्शन पेमेंट रिलीज करो, सस्पेंड रुके सर, इंसाफ करो, वी वोट जस्टिस, वी वोट जस्टिस, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, रिलीज करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज का इस प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद यह है कि नवंबर 2020 में हमने गाड़ियां, गवर्नमेंट ने गाड़ियां हमारी हायर की DDC और BDC इलेक्शन के लिए। आज तक हमारे ड्राइवर साहब सफ़र कर रहे हैं, दो बार एडवाइज़र साहब यहां पे आए, उन्होंने हमें इन्वाइट किया, डाबुल में भी, बिजवारा में भी हम उनसे मिले। ईद उल फितर की बात है, ईद उल अजहा की बात है, क्या आपकी पेमेंट कल परसों रिलीज़ हो जाएगी? हमारे अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई। हमारे ड्राइवर साहब बेचारे रात दिन तकरीबन एक एक महीना इन्होंने गाड़ियों में ड्यूटी की, गाड़ी में ये सोए, जबकि बाकी जो हमारे मुलाजिम थे वो एयर कंडीशन कमरों में सोए, रात दिन इन्होंने मतलब ड्यूटी की है। अब हमारी गुजारिश है कि हमारी पेमेंट रिलीज़ किया जाए ताकि हम भी अपने बाल बच्चों का फीस भर सके। उधर स्कूलों में रोज़ हमारे चिट्ठी आती है, हमारे मार्क्स कार्ड बंद है कि आप फीस, आपका ड्यू है, फीस भरो, कहाँ जाएंगे? ऊपर से आज कल ही मैं इधर आया RTO ऑफिस में, मैंने जो गवर्नमेंट ने आर्डर किया है कि सितंबर तक जो भी डॉक्यूमेंट है गाड़ी के, चाहे RCO, फिटनेस और परमिट है, वो वैलिड है, लेकिन कल जब हमने फिटनेस वहाँ से निकाली, 325 रुपए फीस फिटनेस पर जुर्माना लिया है उन्होंने। खाली बोलते हैं कि ये कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो भी ऑर्डर निकालता है ये कागजी होता है, इस पर कोई अमल नहीं होता है, बोलता है कि ये कंप्यूटर में ये फीड नहीं है।